नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। प्रकृति की गोद में बैठे चमोली को अक्सर देवताओं का निवास के रूप में जाना जाता है। चमोली एक धन्य स्थान है जहां प्रकृति की सुंदरता अपनी आकर्षक संस्कृति के साथ सहजता को जन्म देती है। जहां के लोग लुभावने ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत घनी घाटियों के बीच रहते हुए संतुष्ट हैं। क्या आपने उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी के बारे में सुना है? यहां हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं, इसकी सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में स्थित है। इसे विश्व की धरोहर घोषित किया गया है। फूलों की घाटी 87.50 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैली है। इसे यूनेस्को ने 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। पर्वतों से घिरी हुई यह घाटी बेहद खूबसूरत है। यहाँ आपको फूलों की 50 से अधिक प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी। यह क्षेत्र बागवानी विशेषज्ञों और फूल प्रेमियों के लिए बेहद फेमस है। फूलों की घाटी के बारे में कहा जाता है कि रामायण और महाभारत में भी इसका वर्णन है। माना जाता है कि यही वह जगह है जहां से हनुमान जी भगवान राम के भाई लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाए थे। फूलों की इस घाटी को स्थानीय लोग परियों का निवास मानते हैं। यही वजह है कि लंबे वक्त तक लोग यहां आने जाने से कतराते थे। फूलों की घाटी की खोज सबसे पहले फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की। फ्रैंक ब्रिटिश पर्वतारोही थे। फ्रैंक और उनके साथी होल्डर्स वर्थ ने इस घाटी को खोजा और उसके बाद यह फेमस पर्यटन स्थल बन गया। इस घाटी को लेकर स्मिथ ने वैली ऑफ फ्लावर्स किताब भी लिखी है। फूलों की घाटी में उगने वाले फूलों से दवाई भी बनाई जाती है। यह खूबसूरत जगह चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित है, जो ऋषिकेश के उत्तर में लगभग 300 किलोमीटर दूर है। यह एक खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम हिमालय की सुंदरता को दर्शाता है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में की गई थी और यह सफेद चोटियों से घिरे अपने जंगली अछूते खिलने वाले फूलों के लिए एक विश्व धरोहर स्थल है। वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध यह गांव मनोरम विस्तारों को मंत्रमुग्ध करता है, जो गहराई और प्रकृति के प्रति समर्पण का प्रमाण देता है। यहाँ के लोग पर्यटन और अन्य छोटे व्यवसायों पर जीवित रहते हैं। अपने परिवेश के कारण चमोली खोजकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है। चमोली की प्रकृति पगडंडियां और ढली हुई जीवन शैली उन सभी के लिए एक आदर्श स्थान है जो भारी व्यवसायिक क्षेत्रों की विलासिता से विराम लेना चाहते हैं। पड़ोसी गांव मांड, एक समान एटमॉस्फेयर, होनहार प्रकृति, हिंदू मंदिरों और कुछ अद्भुत ट्रैक ट्रेलर्स से भरा है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे आमतौर पर सिर्फ फूलों की घाटी कहा जाता है, भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित है। वैसे तो कहते हैं कि नंदकानन के नाम से इसका वर्णन रामायण और महाभारत में भी मिलता है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि स्थानीय लोग इसे परियों और किन्नरों का निवास समझकर यहां आने से भी कतराते थे। हालांकि आधुनिक समय में ब्रितानी पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में इसकी खोज की थी और तब से ही ये एक पर्यटन स्थल बन गया। रामायण काल में हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए इसी घाटी में पधारे थे। इसी घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने और उनके साथी होल्डर्स वर्थ ने लगाया था, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन जो इत्तेफाक से 1931 में अपने कामेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे, इसकी बेइंतहा खूबसूरती से प्रभावित होकर स्मिथ 1937 में इस घाटी में वापस आए और 1967 में वैली ऑफ फ्लावर्स नाम की एक किताब प्रकाशित करवाई। फूलों की घाटी में भ्रमण करने के लिए जुलाई, अगस्त व सितंबर के महीने को सर्वोत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ फूलों में अद्भुत औषधीय गुण हैं और यहाँ मिलने वाले सभी फूलों का दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। हृदय रोग, अस्थमा, शुगर, किडनी, लीवर और कैंसर जैसी भयानक रोगों को भी ठीक करने की क्षमता वाले औषधीय फूल यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ सैकड़ों बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ और वनस्पति पाए जाते हैं,
जो कि अत्यंत दुर्लभ हैं और विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते, जो कि इस घाटी को और भी सुंदर और महत्वपूर्ण बना देते हैं। फूलों की घाटी गोविंदा घाट के माध्यम से हेमकुंड साहिब के रास्ते पर स्थित है। घाघरिया गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये क्षेत्र बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरा है। यात्री यहां सफेद और पीले एनिमोनीज, डेंथस, कैंडुला, डेजी, हिमालय नीले और घाटी में स्नेक लील जैसे फूलों की 300 से अधिक प्रजातियों को देख सकते हैं। फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए चमोली जिले का अंतिम बस स्टैंड गोविंदा घाट 275 किलोमीटर दूर है। यहां से प्रवेश स्थल की दूरी 13 किलोमीटर है, जहां से पर्यटक 3 किलोमीटर लंबी व आधा किलोमीटर चौड़ी फूलों की घाटी में घूम सकते हैं। जोशीमठ से गोविंदा घाट की दूरी करीब 19 किलोमीटर है। वैसे तो विश्व धरोहर फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी जाती है, लेकिन इस बार कोरोना की काली छाया पड़ने से घाटी खोलने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। लॉकडाउन के चलते अभी तक घाटी के लिए पैदल मार्ग की मरम्मत का कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है। हर साल हेमकुंड साहिब के साथ ही फूलों की घाटी के लिए भी पैदल मार्ग की मरम्मत का कार्य शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते हेमकुंड साहिब व लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोलने की स्थिति निरस्त कर दी गई है। पूर्व में घोषित तिथि के अनुसार दोनों धामों के कपाट 1 जून को खोले जाने थे। कपाट खोलने की नई तिथि क्या होगी, इस पर सरकार के साथ विचार मंथन के बाद ही निर्णय होगा। फूलों की घाटी वन प्रभाग के वन क्षेत्रीय अधिकारी ब्रजमोहन भारती कहते हैं कि फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोलने की नई तिथि घोषित नहीं हुई है, लॉकडाउन हटने के बाद ही इस पर विचार होगा। पैदल मार्ग की मरम्मत का कार्य तभी शुरू हो सकता है। जड़ी बूटी और जीव जंतु का भी यहां भरमार है। इन्हीं तमाम विशेषताओं के चलते वर्ष 2005 में यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया था। दुर्लभ वन जीवों की सुरक्षा को लेकर नंदा देवी राष्ट्र पार्क प्रशासन और फूलों की घाटी वन प्रभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। फूलों की घाटी के वन क्षेत्र अधिकारी धीरेश चंद बिष्ट ने बताया कि लॉकडाउन के चलते वन जीव तस्करों की सक्रियता को देखते हुए नंदा देवी राष्ट्र पार्क क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। साथ ही पार्क में 20 और फूलों की घाटी के 8 ट्रैम कैमरे लगाए गए हैं। फूलों की घाटी के वन क्षेत्राधिकारी धीरेश चंद बिष्ट का कहना है कि वन जीवों की सुरक्षा के लिए लगातार वन विभाग की टीम गश्त कर रही है। तो ये था फूलों की घाटी पर हमारा खास प्रोग्राम। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।